है hey दोस्तों हमें ओ टी टी एप्लीकेशन टेम्पलेट बेस्ड बनवाना चाहिए या फिर एक रिक्वायरमेंट बेस्ड ओ टी टी बनाना चाहिए इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और आज इस वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि टेम्पलेट बेस्ड ओ टी टी एप्लीकेशन क्या होता है और रिक्वायरमेंट बेस्ड ओ टी टी एप्लीकेशन क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन ये जब आप किसी आ, मतलब किसी भी डेवलपर से बात करते होंगे तो आपको बताते होंगे कि हम आपको व्हाइट लेबल करके दे देंगे टैम्पलेट बेस ये ऐसा बोलते होंगे या फिर आप ना प्राइसिंग एंड कॉस्ट में थोड़ा बहुत समझ नहीं पाते होंगे कि यार कुछ लोग मुझे पचास हजार में भी दे दे रहे हैं कुछ लोग मुझे एक लाख दो लाख में दे रहे हैं ये माजरा क्या है कि कहीं ज़्यादा रेट बता रहे हैं कहीं कम रेट बता रहे हैं तो अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि और हो सकता है आप कहीं गलत जगह पर फंस जाओ आपने पैसा दे दिया फिर वहाँ से आपको सर्विस भी ना मिले ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है ना टेम्पलेट बेस को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में सोर्स कोड भी सेल हो

अब आप मेरे क्लाइंट बनने वाले हो ठीक है मेरे को पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो उस सोर्स कोड से मिल रही है तो मैं क्या करूंगा उस सोर्स कोड को बाय करूंगा और आपको कम रेट में मतलब वो सोर्स कोड खरीदूंगा उसमें आपके हिसाब से थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट को चेंज करूंगा आपने जो नाम बोला लोगो आपका फाइव एस से कनेक्शन आपका एडमिन पैनल या फिर आपके सर्वर को कनेक्ट करके दे दूंगा वही सोर्स कोड रहेगा मेरा दस दिन भी नहीं जाएगा कुछ कुछ सिचुएशन में तो मेरा एक दो दिन भी नहीं जाएगा ठीक है थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी तो मेरा दस दिन के आसपास जाएगा तो ये इस तरीके से होता है कंप्लीट मान के चलो मैंने वो सोर्स कोड को कॉपी किया और आपके हिसाब से थोड़ी जो है रिक्वायरमेंट उसमें डाल के आपको दे दिया तो वो लगभग पचास हजार से एक लाख के बीच में आपको डिलीवर हो जाता है ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन से ही आपको समझ जाना चाहिए कि पूरी आपकी है फ्रॉम स्क्रैच आप स्टार्ट कर रहे हो अब फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करने वाले बात पे पहुंचने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता है टैम्पलेट बेस एप्लीकेशन बनवाने में तो टैम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवाने में जो सोर्स कोड बिक रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है एक छोटे लेवल पर अगर आपका एप्लीकेशन बना रहे हो ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ बड़ा सोच रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो सोर्स कोड ऑलरेडी किसी और का है यानी कि वो कॉपी है सोर्स कोड ठीक है तो कोई कॉपी बनाएगा तो हो सकता है भविष्य में आपको कुछ प्रॉब्लम हो अगर उस बंदे ने आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो तो हो सकता है उस टाइम आपको वो प्रॉब्लम करे ठीक है लेकिन चांसेस कम रहते हैं आ, पर फिर भी अगर आप फ्रॉम स्क्रैच बनाते हो रिक्वायरमेंट बेस मतलब कि भले आपका कॉन्सेप्ट एक ओटिड एप्लीकेशन है बेचना आपको वीडियो ही है बेचना आपको कंटेंट ही है लेकिन मार्केट में जितने भी यूआई और यूएक्स हैं उनसे कुछ अलग चाहिए कुछ नए टेक्नोलॉजी में बनना चाहिए कुछ स्मूथ होना चाहिए आ, मतलब एकदम यूजर इंटरफेस इतना अच्छा रहना चाहिए कि लोगों को नेटफ्लिक्स अच्छा लगता है अमेजॉन प्राइम अच्छा लगता है लेकिन उन उनपे अच्छे कॉन्टेंट होने के बावजूद भी वो आपके एप्लीकेशन पर आए भले आपका कॉन्टेंट अच्छा ना हो लेकिन आपका डिजाइनिंग इतना सुंदर है देख के वो लोग आकर्षित हो रहे हैं टाइप का अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस है तो ऑटोमेटिकली आप लोग कॉन्टेंट अच्छा बनाना सीख जाओगे ठीक है कंटेंट वैसे देखा जाए तो जो इतना डीपली सोचेगा वो कंटेंट अच्छा ही बनाएगा सिंपल सीधी बात है तो ये रिक्वायरमेंट बेस्ड जो एप्लीकेशंस रहते हैं इनका जो कॉस्ट रहता है वो लगभग आपका दो लाख तीन लाख चार लाख डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप आपकी सोच कितनी है आप सोच क्या रहे हो आप फंक्शनैलिटी उसमें क्या डलवा रहे हो आपने तो अगर सिर्फ एक बेसिक एप्लीकेशन रखा है जो कि सिर्फ आपने अपने कंटेंट डाला और आप उसको सेल कर रहे हो सब्सक्रिप्शन बेस्ड डाल के तो वो तो एक लाख डेढ़ लाख में भी बन जाएगा रिक्वायरमेंट बेस्ड एंड्रॉड नेटिव एप्लीकेशन या फ्लटर के ऊपर बना लो ठीक है फ्लटर के ऊपर बनवाओगे तो फायदा ये रहेगा कि एक ही बार कोडिंग होगी एंड्रॉयड आईओएस दोनों पे चलेगा एंड्रॉइड नेटी में बनवाओगे सिर्फ एंड्रॉइड जावा के लिए बनवाओगे तो उतना पैसे में सिर्फ जावा का एंड्रॉइड ही मिलेगा आईओस पे नहीं जाएगा ठीक है और आप सबको पता है कि अब मार्केट 35% फाइव का है और 65% फाइव परसेंट एंड्रॉयड uh, का है तो क्यों थर्टी फाइव परसेंट मार्केट को छोड़ना और वो आई वाले ही आपके ज़्यादा सब्सक्रिप्शन को बाय करेंगे एंड्रॉयड वाले तो फ्री में सोचते हैं कि कहीं से हमें मिल जाए क्रोम वगैरह से कहीं टॉरेंट वगैरह से हम लोग डाउनलोड कर लें तो कभी भी आई ओएस वालों को यूजर्स को नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है तो ये जो रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन है इसमें बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है जैसे कि टाइमिंग की बात की जाए तो टेम्पलेट बेस्ड जो एप्लीकेशन रहता है जो कि हमने सोर्स कोड कॉपी किया वाइट लेवल करके आपको हमने डिलीवर किया उसको बनने में हार्डली पाँच दिन दस दिन लगेगा आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत हुई तो भी ठीक है अब रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी कौन सी चूज कर रहे हो ठीक है टेक्नोलॉजी अगर आप थोड़ी टेक्निकल हो तो आप टेक्नोलॉजी बता सकते हो नहीं भी बताओगे तो भी आपको मैं एक एवरेज टाइम बता देता हूं कि 45 दिन से लेकर दो महीने तक का समय लगता है एक ओ रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन बनाने में अब ये जो मैंने बताया ये एक बेसिक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने बताया अगर तो आप सोचते हो लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए उसमें और भी आपके कुछ फंक्शनैलिटी है जो आप इनपुट करना चाहते हो जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो सारी चीज अगर आप इनपुट करोगे तो टाइम ज्यादा हो सकता है तीन महीने चार महीने भी हो सकता है ठीक है तो ये कंप्लीट सूशन है मतलब इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेम्पलेट बेस और रिक्वायरमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है अगर आपको समझ आ गया है और अगर आपको कोई दोस्त फ्रेंड आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो ओ एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और भी पूछना है कुछ और भी जानना है सर्वर के बारे में जानना चाहते हो अगर आप अगर तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या हम यूट्यूब का प्लेयर इन्वेट कर सकते हैं अगर आप किसी और का वीडियो डाल रहे हो तो कहीं कॉपीराइट तो नहीं आएगा ये सारे सवाल का जवाब आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में